नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज़। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। पूरे बस्तर संभाग से लगभग 4,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर दर पर मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला जड़ दिया है और कृषि उपज मंडी में धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते माह से लगातार मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और राजधानी में प्रदर्शन करने के बाद अब सभी जिला मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है और जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रखने की बात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कही है। अभी हम लोग अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे धरना में हैं, जो कि हम लोग अनिश्चितकालीन है, जो हम लोग 2 तारीख से ज्ञापन देते हुए चलते आ रहे हैं। 2 को हो गया, 7 को हो गया, 9 को, और उसके बाद 23 से लेकर पूरा 27 तारीख तक था हमारा रायपुर में। उसके बाद भी हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ, अपना जो 6 सूत्रीय मांग है, इसलिए अभी हम लोग पूरे जिले में इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का 6 सूत्रीय मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे।